हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है, इसरो की तरफ से सरकारी नौकरी का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जो कि एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहने वाला है। और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आपने डिग्री कर रखा है, BBTech कर रखा है, BSc कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, MEMTech कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। और ये वैकेंसी परमानेंट जॉब रहेगी, सरकारी नौकरी रहेगी, CBT एग्ज़ाम होगा, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, जहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे डिप्लोमा और BBTech वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी स्टोर डिपार्टमेंट में निकाली गई है, वहाँ पे डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिंपल ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन जो आपका रहेगा विदाउट गेट स्कोर कार्ड के बेस पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका CBT एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ हम अच्छे से जानेंगे और अप्लाई प्रोसेस को भी समझेंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके ज़रूर से बता देना। फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, और आप कौन से लोकेशन के अंदर जॉब को सर्च कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का। आपको वहां पे सिंपली क्लिक करना है, आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आपको क्लिक करना है और आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड यहां पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। वैकेंसी निकाली गई है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इसरो की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा और इसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एक परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगा, ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, BBTech कर रखा है, या फिर आपने MEMTech कर रखा है, या फिर आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। CBT एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, नोटिफिकेशन का डेट दे रखा है और यहाँ पे टॉप पे मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सी पोजीशन रहेगी। साइंटिस्ट के पदों के लिए वैकेंसी है, इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है। एंड यहाँ पे आपका टेक्नीशियन बी के पदों के लिए वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन बी के पदों के लिए वैकेंसी है, कुक के पदों के लिए वैकेंसी है, फायरमैन ए के पदों के लिए वैकेंसी है, और हैवी व्हीकल ड्राइवर के पदों के लिए वैकेंसी है, और लाइट व्हीकल ड्राइवर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी आप इसरो को तो अच्छे से जानते ही हैं, एक बहुत बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। अब यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है, जैसे कि ये वैकेंसी है साइंटिस्ट और इंजीनियर के पदों के लिए, उसके अलावा यहाँ पे आपका टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है जहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपका ड्राफ्टमैन के पदों के लिए वैकेंसी है जिसके अंदर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपका टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, इसके अंदर भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है जहाँ पे डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी, जहां पे ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कुक के पदों के लिए वैकेंसी है, जहां पे 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन के पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने 10वीं पास कर ली है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइट व्हीकल ड्राइवर के पदों के लिए वैकेंसी, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, वन बाई वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। डिसिप्लिन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, और उस एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, किसी भी टाइप का कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस के अंदर वैकेंसी निकाली है, अगर आपने यहाँ पे 60% के साथ आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए वैकेंसी है, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के अंदर वैकेंसी निकाली है, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर वैकेंसी है, डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम का पूरा रहेगा डिटेल, कि सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा और उस एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए, जिसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका यहाँ पे एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया और मैथमेटिक्स के अंदर डिपार्टमेंट रहेगा। तो अगर आपने यहाँ पे बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी अगर आपने फिजिक्स से कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी अगर आपने एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया से कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने बीएससी कर रखा है मैथमेटिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपका यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा और उस एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन रहेगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और फर्स्ट क्लास आपके पास मास्टर डिग्री है यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस में, या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। बाकी यहां पे बात कर लेते हैं और वैकेंसी के बारे में, यहां पे ड्राफ्टमैन के पदों के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर, तो आपने यहां पे 10वीं के बाद यहां पे कर रखा है ड्राफ्टमैन, तो आपका मैकेनिकल का यहां पे कोर्स कर रखा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर बात करें, तो अगर आपने 10th के बाद आईटी कर रखा है ड्राफ्टमैन सिविल में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम होगा, उसके एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन रहेगा। कुछ और वैकेंसी है टेक्नीशियन के पदों के लिए, तो इसके अंदर ये सारे आपके डिसिप्लिन रहेंगे, तो अगर आपने इन सब डिसिप्लिन के अंदर आईटीआई कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, फिटर है, प्लम्बर है, आरएनडीसी है, तो ये सारे ट्रेड यहाँ पे रहेंगे। और इसके अंदर भी आपका सीबीटी एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल है, टर्नर है, कारपेंटर है, आपका यहाँ पे एमवीएम है, और आपका मशीनिस्ट है, वेल्डर है, ये सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए बीबीटेक और एमएमटेक वालों के वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाली गई है साइंटिस्ट के पदों के लिए और इंजीनियर के पदों के लिए। तो अगर आप मैकट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने एमएमटेक की है, साथ ही साथ आपने बीबीटेक कर रखा है मैकट्रॉनिक्स में, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे मटेरियल साइंस के लिए अप्लाई करना है, तो आपने यहाँ पे अगर एमएमटेक कर रखा है, एमएससी कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है यहाँ पे मटेरियल साइंस के अंदर, या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग में, या फिर मेटलर्जी में, या फिर मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, या फिर पॉलीमर साइंस के अंदर, साथ ही साथ आपने यहाँ पे बीबीटेक कर रखा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, रिटन एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो आपने एमएससी कर रखा है, उसके साथ साथ बीएससी कर रखा है मैथमेटिक्स से, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, तो आपने एमएससी कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है फिजिक्स से, या फिर अप्लाइड फिजिक्स से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और परसेंटेज क्राइटेरिया को भाई एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि सैलरी क्या रहेगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के पदों के लिए और जो आपका रहेगा उसके अंदर, आपका जो पोस्ट कोड दे रखा है उसके अंदर आपका लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगा 56,100 रुपये। उसके अलावा यहाँ पे अलाउंस अलग से ऐड होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के जो पद हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट के जो पद हैं, उसमें आपका एज लिमिट ये दे रखा है, लेवल 7 का सैलरी रहेगा 44,900 रुपये, लाइक जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट सैलरी आपको मिलेगा। बाकी जो यहाँ पे आपका आईटी के पदों के लिए वैकेंसी और 10वीं के पदों के लिए वैकेंसी, उसमें आपका लेवल 3 और लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगा, जिसमें आपका आईटी का सैलरी रहेगा 21,700 रुपये, और अगर आप 10th पास है तो आपका 19,900 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी रहेगा। इसमें आपका अलाउंस अलग से ऐड होगा, ठीक है। तो ये लगभग सैलरी मान के चलिए, अलाउंस अगर 7,000 रुपये भी ऐड होता है, तो आपका सैलरी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा।
अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1 मार्च 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं रात को 12 बजे तक। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे पूरा अच्छे से बता रखा है। ये जो डॉक्यूमेंट के बारे में बोला है वो उसी साइज के होने चाहिए जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। उसके अलावा आपका पेमेंट क्या रहेगा, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो आपका 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद आपका फ़ीस रिफंड हो जाएगा 500 रुपये, वो जो कि यहाँ पे जनरल और EWS और आपका OBC कैंडिडेट के लिए रखा है। बाकी यहाँ पे अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग सैलरी आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा है, जैसे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए उसका 500 रुपये रहेगा। बाकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि यहाँ पे आपका रिफंडेबल हो जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या मेंशन किया है। उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन जो रहेगा उसके बारे में पूरा डिटेल से इन्होंने बता दी है कि आपका यहाँ पे CBT एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में भी इन्होंने अच्छे से पूरा मेंशन कर रखा है। ये आपका एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा, तो ये जो नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है सिलेबस को पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको अप्लाई कैसे करना रहेगा उसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, तो सिंपली आपको क्या करना है वहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है और ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दी है इसरो का। आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है, ये टैब ओपन हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में ये कार्य करता है, ये इनका करियर वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट नोटिस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा थोड़ा सा और यहाँ पे जो आपको दिखेगा ये वाला जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने दे रखा है URSC का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वापस से एक न्यू टैब ओपन होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लास्ट डेट रहेगा 1 मार्च 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आपका एक न्यू टैब ओपन हो चुका है और यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। बायलैंग्वल एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, ये PDF है, आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, PC में डाउनलोड हो जाएगी जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लिंक प्रोवाइड करवा दी है, तो यहाँ पे आप खुद एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है, अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं और यहाँ पे लास्ट डेट 1 मार्च 2024 रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो उन्होंने लिंक दे रखा है इस पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे बोला जाएगा कि आप यहाँ पे इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं और पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया जाएगा और हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, कोई डाउट है तो यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इनिशियली, उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट पहली बार अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे रजिस्टर वाला बटन दे रखा है, सिंपली आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करेंगे वापस से यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये सारी पोस्ट आपका टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, उसके अलावा ड्राफ्टमैन के पदों के लिए वैकेंसी है, सिविल मैकेनिकल में टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों के लिए वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर, मैकेनिकल वालों के लिए केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया की है, मैथमेटिक्स की है, फायरमैन की भी है, कुक की भी है और आपका LVD की भी है, HVD की भी है जो कि आपका लाइट व्हीकल ड्राइविंग होता है उसके लिए भी है और लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी है। तो जो भी पोजीशन आपको ठीक लगे जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट सिविल को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका पोस्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा और फिर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, उसको कंफर्म कर देना है, कोई अल्टरनेट मोबाइल है तो उसको डाल सकते हैं नंबर को, ईमेल आईडी डालनी है, कंफर्म करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, जनरेट OTP वाला बटन है तो आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो यहाँ पे बॉक्स बनेगा,
उस पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना है और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे आपको डाल देना है। कैप्चा कोड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे एक बटन मिलेगा जो कि इन्होंने दे रखा है, वो आपका रहेगा रीवेरीफाई का, उस पर क्लिक करके आप रीवेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। सिंपली आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है, जो आपको यूज़र आईडी मिला है और जो पासवर्ड आपका जनरेट हुआ है उस पर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चर कोड वापस से आपको डालना है, लॉगिन कर लेना है और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फाइनली आपको सबमिट कर देना है। जो डिटेल आपसे पूछा जाएगा जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी एज, ये सब कुछ आपको वहाँ पे डाल देनी है। आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। फाइनली इसका पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म ये फिल कर देना है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।